दर्शकों, आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष आए हैं वह विषय क्या है कि कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे अपने कमेंट्स के थ्रू यूट्यूब चैनल पर, कुछ लोगों ने कमेंट किए, कुछ लोगों ने फेसबुक पर। तो उनका ये विषय है कि वो कुछ लोगों ने जैसे कहा कि पुनर्जन्म के विषय में बताएं, मनुस्मृति के विषय में और बताएं, योग के अंदर पतंजलि योग सूत्र में प्रणव का जिक्र है तो प्रणव का क्या रहस्य है, योग सूत्र के अनुसार क्या महत्व है उसको बताएं। तो ऐसे कई प्रकार के विषय लोगों ने छेड़े और एक एक करके उन पर पुनर्जन्म हो गया या प्रणव का विषय हो गया या फिर आपके मनुस्मृति का विषय हो गया या कर्म का सिद्धांत हो गया, उन सब विषयों पर जो है चर्चा होगी धीरे धीरे। लेकिन आज इस विषय को लेकर हम आए हैं यहां पर तो एक जिज्ञासु है, उन्होंने प्रश्न किया बड़ा सुंदर कि कंट्रोल ऑफ थॉट्स, विचारों का नियंत्रण क्या है, मन का नियंत्रण क्या है, इसके ऊपर कुछ बताइए। कुछ उन्होंने सुना और सुनने के बाद विचारों के प्रभाव के विषय में और फिर सेल्फ अवेकनिंग वर्कशॉप के विषय में और उन्होंने जो हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं और इस विषय की चर्चा करते हैं विशेष करके युवाओं के सामने, क्योंकि वर्तमान में यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रोत्साहित हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं या मोटिवेट हो रहे हैं यही हमें पता नहीं होता, या हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं। तो यूथ के सामने डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। तो होता क्या है कि यहां पर लोग बहुत ज्यादा, हम क्या है कि कुछ समाज, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को छोड़ देते हैं कि भाई जो हमें चीज पसंद आएगी हम उसका हो लेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें करना कुछ और है, दिखाना कुछ और है, बताना दुनिया को कुछ और है, पीछे करना कुछ और है, कार्य अलग है। तो वो एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, उसे हम हिप्नोटिज्म कहें, हेलुसिनेशन कहें। वो कुछ यूथ और जो युवा वर्ग है वो जो है उसमें कई बार कि भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है, तो उसके वश में वो हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक संतुष्टि, चाहे वो किसी भी रास्ते पर चल रहे हों, और उनको आना शुरू हो जाता है। लेकिन सत्य कुछ और होता है और जब सत्य सामने आता है तो बड़ा पछतावा होता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है वो यूथ के केस में बहुत ज्यादा है, यूथ के केस में बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा मूवीज है आपको, बॉलीवुड है, उससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड कौन है, तो यूथ है। 30 साल की उम्र के बाद जो मैच्योरिटी आदमी गेन करता है, इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि जो लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है वो आफ्टर द एज ऑफ 30 आती है। तो वो जो मैच्योरिटी जब वो गेन करता है तो वो एक वहां पर बहुत सारे हेलुसिनेशंस या वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी खत्म होते इमोशंस के कारण, इमोशनल कैशिंग, इमोशनल केज में एक बंधे होते हैं लोग। तो बहुत गंभीर विषय है थॉट कंट्रोल का जो टॉपिक है। तो यूथ पर प्रभावित ना हो, स्व प्रभावित हो, इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि अगर आपके अंदर बैठा हुआ भगवान अगर आप उसे नहीं जानते तो फिर बाहर क्या भगवान खोजोगे, तो बाहर उस किसी भी चीज को शक्ति मानना जो है मैं कहता हूं वो बिल्कुल गलत है। और जब अंदर जान लिए तो अंदर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर वन प्रायोरिटी अंदर वाले की हो जाती है, ना कि बाहर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, एनी वन। तो इसलिए ये विचार करने वाली बात है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप स्वयं का सेल्फ एनालिसिस कीजिए,
आप सिर्फ भीड़ या बातों या व्यवहार को देखकर किसी को बड़ा ना मान लीजिए। तो ये बहुत सारी ऐसे विषय हैं जिनको मैं कहना चाहता हूं और कम समय में कहने का प्रयास करूंगा और आप उसको समझने का प्रयास करें। तो थॉट कंट्रोल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। जब तक आप उसको नहीं सीख लेते, नहीं जान लेते, उसके विषय में आप कॉन्शियस नहीं हो जाते, सचेत नहीं हो जाते, तब तक बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। और कमिंग जनरेशन जो है, कमिंग जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है, वो इन सब चीजों को और भी ज्यादा फेस करती रहेगी अगर हम जागरूक नहीं हुए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जो फिजिकल डिजीजेस हैं, उसके लिए हम कॉशियस। अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो हम किसी से बताने में हेजिटेट नहीं करते, हमको कोई संकोच नहीं होता। लेकिन जो मानसिक रोग है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग जल्दी डिस्कस नहीं करते, वो थोड़ा सा घबराते हैं उसको डिस्कस करने में, बताने में कि हमको कैसे कुछ मेंटली हो सकता है, और हो भी गया तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर ले। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस, अपना फोकस सही रख पाए व्यक्ति, अपने थॉट्स को बैलेंस कर पाए और किसी भी तरह के इन सब चीजों से स्वयं को बचा पाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत सफल जीवन वो जी पाएगा और एक अच्छा जीवन वो जी पाएगा, स्वस्थ जीवन जी पाएगा। मन से स्वस्थ होना वो ज्यादा जरूरी है फिर, क्योंकि मन शरीर की गतिविधियों को भी नियंत्रण में ले लेता है। आप क्रोधित हैं तो आपके चेहरे पर नजर आएगा कि आपके अंदर क्रोध है, आप क्रोधित हैं। तो मन है, मन का विषय है, लेकिन वो एक्सप्रेस हो जाता है बॉडी के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। तो ये सारी दिक्कतें हैं। इसलिए थॉट कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो पहले ये समझना जरूरी है कि विचार क्या है, हम किसे विचार कहते हैं और विचार क्या होता है, कितना प्रभावशाली होता है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई विचारों की गति, उस दिन आप थॉट कंट्रोल आपका 50% आपके लिए। जिस दिन विचार को आपने समझ लिया थॉट है क्या, तो कई लोग, एक जैसे एक मित्र ने पूछा कि भाई ये हम कई मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, कई मोटिवेशनल बहुत अच्छी लगती हैं, कई लोग हम स्पीचेस सुनते हैं तो मन करता है उनके चरण छू लें, लेकिन फिर बाद में जो है अपने जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं नजर आता। उनकी बातें बहुत बड़ी होती हैं, ये बात सत्य है, गलत नहीं होती। तो मोटिवेशनल स्पीचेस जो है वो अपनी जगह पर है, आपको मोटिवेशन दे सकती हैं। कोई व्यक्ति फेल हो गया और वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया और वो फेल हुआ होने के कारण वो जो है थोड़ा सा डिप्रेशन में है, थोड़ा सा स्ट्रेस में है मान लीजिए, या उसे कोई लॉस हो गया, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल लॉस हो गया और उस कारण से डिप्रेशन में है, तो अब बहुत लोगों को आप उसे मोटिवेशनल स्पीच सुना दीजिए कि भाई देखो वो 4 बार फेल हो गया था लेकिन आज देखिए कितना बड़ा लीडर बन चुका है, पॉलिटिकल लीडर है, या कितना बड़ा कंपनी चला रहा है। आप तो फेल ही हुए, वो तो 4 बार 5 बार फेल हो गया, फिर ये कर रहा है, उसे मोटिवेट आप कर रहे हैं, आप उसे एक विचार दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन हर व्यक्ति की लाइफ अपनी अलग अलग है। तो एक थॉट आया, आपके इंसिडेंट हुआ लाइफ के अंदर और उस इंसिडेंट ने आपको एक थॉट दिया कि भाई फेल हो गए तुम तो शायद कुछ नहीं कर पाओगे, और या फिर लॉस हो गया कुछ, अब तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, या कोई भी चीज है, कोई भी नेगेटिव, कोई आप किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी ऑफिस के अंदर या जहां भी आप कार्य करते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी, तो वहां पर भी कि भाई मेरी बेइज्जती कर गई, मेरे तो इंसल्ट हो गई, मुझे डिफेम कर दिया गया, मुझे बदनाम कर दिया गया, आपका कहीं झगड़ा हो गया, तो ये वो आपके अंदर जो है वो थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है और आप अपनी एक सेल्फ इमेज को निगेटिव कर लेते हैं। दुनिया आपको क्या समझती है वो सेकेंडरी है। कई बार हम खुद को इतना बुरा समझ रहे होते हैं कि लोग हमें उतना बुरा नहीं समझते, लेकिन हम खुद को बुरा समझ रहे होते हैं। और उसी को, क्योंकि सेल्फ, आप सेल्फ इमेज से जीते हो, आप सोशल इमेज से बाद में जीते हो। सोशल इमेज सेकेंडरी है, सेल्फ इमेज प्राइमरी है। अगर वो अच्छा होगा तो सेकेंडरी वाली चीज अपने आप चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे बदल जाएगी। आपके अंदर बदलने की सामर्थ्य है, हर व्यक्ति के अंदर वो ताकत है। तो इसलिए थॉट्स, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस टाइम आप, अब मान लीजिए कि कोई फेल नहीं हुआ, किसी को कोई इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं हुआ, ना ही उसकी कोई इंसल्ट हुई है, ना ही उसी उसकी ना ही उसे डिफेम किया गया है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस में है,
और वो व्यक्ति चलो कॉन्फिडेंस में तो होने का पूरा वो है, लेकिन साथ ही साथ वो व्यक्ति ऐसे भी कई लोग हैं समाज के अंदर कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ पॉजिटिव है, ना वो फेलियर है, ना वो इंसल्ट फेस कर रहा है, ना ही वो डिफेम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और वो क्या है, डिप्रेशन में, फिर भी डिप्रेशन में। सक्सेसफुल कैरियर है उसका, सक्सेसफुल मैरिज हुई उसकी, सक्सेसफुल हर चीज हुआ, लेकिन अंत में वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि सुसाइड कर लेता है। और इस कैटेगरी में इसमें कैसे कैसे लोग हैं, आपको आईएएस ऑफिसर्स हैं, आपको सीबीएसई टॉपर्स हैं, आईआईटी टॉपर्स हैं, और आपको बहुत बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं सक्सेसफुल होने के बाद। उनका बहुत नाम है, उनके पास जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, पैसा है, क्या नहीं है, फिर भी डिप्रेशन में। वाई ना वो चार चार बार फेल हुए। और दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल ऐसा भी दिखाई देता है सोसाइटी में कि कितना उसने स्ट्रगल किया, कितना फेलियर को फेस किया, अब्राहम लिंकन ने कितने टाइम वो चुनाव को हारा, और तब जाकर कितने दिनों बाद जो है, स्ट्रगल करने के बहुत दिनों बाद जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते, एक वो एग्जाम्पल है। तो मैं भी आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल है। लोग इंडिया के अंदर रजनीकांत कंडक्टर थे बस के, बन गए। अमिताभ बच्चन एसएसबी में डिस्क्वालिफाई हो गए थे जाकर इंटरव्यू में, लेकिन आज सुपरस्टार के रूप में है। तो एग्जाम्पल कई है, लेकिन फिर भी उस आदमी की लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आप कंपेयर मत कीजिए। ये मोटिवेशनल थॉट्स में कई बार ऐसे मोटिवेशन थॉट दिए जाते हैं, तो ये मोटिवेशनल ठीक ठीक है, आपको थोड़ा सा एनर्जाइज कर देते हैं, आपके अंदर ये आ जाता है कि भाई वैसा व्यक्ति जब इतना बड़ा काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अच्छी बात है। लेकिन यही सब कुछ नहीं, और यही मात्र थॉट नहीं है, नेगेटिव थॉट्स। थॉट कंट्रोल का मतलब कि नेगेटिव थॉट्स को रोकना है, और पॉजिटिव थॉट्स कहने का मतलब कि पैसिव थॉट्स को हमें नहीं, पॉजिटिव थॉट्स मतलब विगरस थॉट्स, शक्तिशाली विचार। कई बार पॉजिटिव सेंस के जो थॉट्स हैं वो भी नेगेटिव ही कार्य करते हैं, नेगेटिव ही काम करते हैं। मान लीजिए कि हमें हमसे कुछ लेने के लिए किसी व्यक्ति ने हमसे फ्रॉड करने के लिए हमें खूब अप्रिशिएट किया, हमारी खूब प्रशंसा की हमारे मुंह पर आकर, अरे आपसे अच्छा आदमी कौन होगा, आप तो बड़े कई सोसाइटी में लोग होते हैं, मैं भी फेस करता हूं ऐसे लोगों को, लेकिन उनका जो टारगेट है वो बड़ा नेगेटिव होता है, बड़े नेगेटिव टारगेट को लेकर वो ये सब काम करते हैं और हमारे साथ चीटिंग करते हैं, फिर फ्रॉड करते हैं, ऐसा फिर बाद में हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव थॉट्स के उसमें आ जाते हैं ना, केज में, कि भाई हमें किसी ने अप्रिशिएट किया, और उस अप्रिशिएशन को हम थिंक करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, सोचते हैं, अकेले बैठ जाएंगे सोचेंगे, अरे वाह मजा आ गया, आज तो उसने मेरी खूब बड़ाई की, खूब प्रशंसा की, हम खुश हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह की पैसिविटी, जहां आ गई वहां तो प्रॉब्लम है, यहां आपकी एक पैसिविटी आ जाती है, एक आसक्ति आ जाती है। तो नेगेटिव थॉट्स, जब कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है, लेकिन थॉट्स यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि किसी ने कुछ घटना घटी या किसी ने कुछ हमें बोला, हमें इन्फ्लुएंस किया, तभी हमारे पास थॉट्स आ रहे हैं। और थॉट्स कई बार, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं, अथाह धन है उनके पास, अथाह प्रॉपर्टी है उनके पास, प्रॉपर्टी है, पैसा है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, ऑफिस अच्छा है, ऑफिस में सब रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा आदमी भी धीरे 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 नेगेटिव थॉट्स में आ जाता है, डिप्रेस हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। वाई क्यों? तो ये आज का ये क्वेश्चन है, जब आप थॉट्स को, इसीलिए कई लोग आपको लॉजिक्स देते हैं ना, लॉजिकली आपको हील करने का कोशिश करते हैं। तो लॉजिक इज लॉजिक, तर्क तर्क है। आप लॉजिकली आप मान लो कि आपने 3 दिन का खाना आज ही खा लिया, अब 3 दिन खाने की जरूरत नहीं है, 3 दिन के आप भूखे रह लेंगे, लॉजिक के बेस पर रह लेंगे, अपनी विल पावर को यूज करेंगे। लेकिन लॉजिक लॉजिक तो ये भी कह सकता है कि आप 1 महीने का मान लो कि आपने खाना खा लिया, तो लॉजिक से कभी भी आपको जो हीलिंग होनी है, जो मिलना है, वो लॉजिक से नहीं मिलने वाला। थोड़ा बहुत आपके माइंड को लॉजिक मिल जाएगा कि भाई देखो उसने ऐसा कर दिया था, देखो स्टीव जॉब को देखो, आप जो है जकरबर्ग को देख लो, आप कैसे वो उसने राइज कर दिया, कैसे राइज कर गया, कैसे वो हो गया, उन लोगों का हिस्ट्री देखिए कि वो कैसे अपने कॉलेज लाइफ में थे, या बिल गेट्स को देखिए, अपने कॉलेज लाइफ में बैक बेंचर था और कैसे इतना बड़ा कंपनी का वो है, इस समय सीईओ है, डायरेक्ट कर रहा है इतनी बड़ी कंपनी को। तो ये सब एक एग्जाम्पल्स हैं, एक लॉजिक मिलता है, अच्छा लगता है लॉजिक हमें,
हमें लॉजिक्स अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उसको अच्छा महसूस करते हैं उस लॉजिक को। उसने कर लिया, वो ऐसे था और उसके पास फैसिलिटीज नहीं थी और उसने ऐसा करके दिखा दिया, तो हम भी तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितने परसेंट लोग इस लॉजिक से कर पा रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, कितने परसेंट लोग। अच्छी बात है, लॉजिक अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स, ये तो मैं बोल रहा हूं कि जब आप थॉट्स को समझ लोगे कि थॉट होती क्या चीज है, सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएगी। थॉट इतना ही नहीं है जितना आपने टेलीविजन में सुना, किसी ने आपको बताया, किसी ने लेक्चर दिया, या किसी चीजों को आपने देखा जो आपकी सेंस ऑर्गन रिसीव कर रही है। थॉट्स उतना ही नहीं, हमारी एक, हम कहते हैं ना फाइव सेंस ऑर्गन, एक सिक्स सेंस ऑर्गन भी होती है जो हमें, जिससे हम कुछ चीज गेस करते हैं, किसी चीज को ऐसे जानने का प्रयास, फील करते हैं हम कुछ नेगेटिव पॉजिटिव को, तो उसी प्रकार से थॉट रिसीव भी करते हैं। थॉट क्या है, हर चीज में थॉट, दिस कंप्लीट वर्ल्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ थॉट्स, ये संपूर्ण विश्व विचारों की समष्टि मात्र है। ऐसा नहीं कि जहां कुछ बोला जाएगा वहीं पर थॉट है, या जहां कुछ दिखाया जाएगा, जहां कुछ सुनाया जाएगा वहीं पर थॉट्स है, नहीं। कई चीजें हैं जो आपकी सेंस ऑर्गन रिसीव नहीं करती, आपका माइंड रिसीव करता है, इसलिए माइंड इज द सिक्स्थ सेंस ऑर्गन, वो रिसीव कर लेता है। आपकी सेंस ऑर्गन नहीं, आपकी स्किन नहीं रिसीव कर रही, आपके आईज, आपके नोज कुछ रिसीव नहीं कर रहे, लेकिन वो रिसीव करता है, वो है हिडन थॉट्स, हिडन थॉट्स। इसलिए थॉट्स ओनली प्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि थॉट या माइंड जो है वो लिविंग बींग में है। हाँ, कॉन्शियसनेस होता है लिविंग बींग में, और नॉन लिविंग बींग में कॉन्शियसनेस नहीं होता है, और कुछ लिविंग बींग में कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो डाउन होता है, बहुत नीचे का। लेकिन जो नॉन लिविंग बींग्स है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये रिमोट है, इसके अंदर भी एक थॉट है। एक तो इसके कलर के कारण, इसके शेप के कारण एक आउटलुक है उसका, उसके कारण एक थॉट क्रिएट हो रहा है, साथ ही कुछ हिडन थॉट्स है। अभी हिडन थॉट्स क्या होती हैं? हिडन थॉट्स छुपे हुए संस्कार, विचार जो बाहर से नहीं दिखते लेकिन अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। आपने सुना होगा कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं सुसाइड सेंटर्स। सुसाइड सेंटर अर्थात वहां लोग जाते हैं, जहां जैसे लोग वहां पर बैठते हैं तो वहां पर उनको सुसाइड करने की थिंकिंग आती है कि हम सुसाइड कर लेते हैं, ये जीवन में कुछ नहीं रखा, बेकार है। बार बार उन मान लो उनका कुछ ऑफिस है वहां पर, या उनकी शॉप है वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर, तो उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वो एक दिन सुसाइड कर लेते हैं। तो अब वो व्यक्ति, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको, फिर उसने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि उस बिल्डिंग, उस जगह को फिर धीरे धीरे कई लोगों ने वहां सुसाइड किया, तो फिर वहां पर क्या हुआ कि हम उसने इसको सुसाइड सेंटर बना दिया, कह दिया कि भाई सुसाइड सेंटर है, हाउंटेड प्लेस है, कई तरह की ऐसी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये सुसाइड सेंटर क्यों है? नेगेटिव थॉट्स, कुछ नहीं वहां पर, लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। कई जगहों पर आप जाओ, बैठो, अपने आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। किसी ने आपको नेगेटिव थॉट दिए नहीं है, अपने आप आएंगे। स्किजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों को होती है, उन लोगों को नहीं होती स्किजोफ्रेनिया जो फेलवर है, सक्सेसफुल लोगों को होती है। नासा के साइंटिस्ट वो स्किजोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं, जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं। और ये क्या है, कहीं कोई यूज ना कर ले मेरे टैलेंट को, कोई यूज ना कर ले, उनके अंदर ये फियर, ये फोबिया आ जाती है, कई तरह की संकोचित थॉट्स, शंका, हर चीज पे डाउट करना, हर व्यक्ति पे डाउट करना, जो उनसे बात करेगा, जो उनसे मिलेगा, हर व्यक्ति पे डाउट करना उनका काम होता है। तो वो जो चीज बढ़ जाती है, तो इसकी जो फ्रीनिया नामक एक डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर उनके अंदर आ जाया करती है, तो ये उनकी परेशानी है। तो इसलिए ये जो डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर, सबसे फिर वो सोसाइटी के जो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़कर, पूरा घर परिवार सब छोड़ देते हैं, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है, मानसिक स्थिति। इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी सक्सेसफुल कैरियर है, सक्सेसफुल लाइफ है, फिर भी ऐसी मानसिक स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि थॉट्स चारों तरफ से आती हैं। ऐसा नहीं कि जितना हम सुन रहे हैं उतना ही थॉट्स है। इसलिए थॉट इज, कहते हैं, हाईली मोस्ट रिजिलियंट एंड हाईली कॉन्टेजियस थिंग इन दिस वर्ल्ड, वायरस से भी ज्यादा कॉन्टेजियस थॉट्स है। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर, मैं यहां पर इस
यहाँ बैठा हूं इस सोफे के ऊपर, तो यहां भी सोफे का अपना एक थॉट कैरी करता है, मैंने जो ड्रेस पहना है वो भी एक थॉट कैरी करता है, मैं हिडन थॉट्स की बात कर रहा हूं। हाँ एक कलर है, रेड है, येलो है, कुछ भी है कलर का, वो एक आउटलुक है उसका, वो भी एक थॉट दे रहा है कि हाँ भाई ये चीज देखने में ऐसी है, लेकिन कुछ हिडन थॉट्स होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, और ऐसे कई एग्जाम्पल से प्रूव हो चुका है, आप जोसेफ मर्फी की बुक पढ़े तो जापान में किए गए एक्सपेरिमेंट्स की कैसे जो है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो थॉट डिस्कस होते हैं। हाँ थॉट का फ्लो जो होता है वो लिविंग बींग में होता है, थ्रू कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन थॉट्स रह कहीं भी सकता है, नॉन लिविंग थिंग में भी रह सकता है, नॉन लिविंग थिंग में भी। तो इस प्रकार से हर चीज, अगर हम यहां पर कोई चिंतन कर रहे हैं बैठकर, अगर नेगेटिव थॉट्स हम यहां पर फ्लो कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स के जो भी यहां पर वस्तुएं, यहां की दीवार है, सोफा है, टेबल है, चेयर है, कुछ भी है, वो सब उस नेगेटिव थॉट से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव थॉट्स हम शेयर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हम शेयर कर रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्टिव थॉट से भी वो, और जब लंबे टाइम तक यहां पर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स शेयर किए जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि जो भी यहां बैठेगा उसे कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे, चाहे वो किसी दूसरे से शेयर करे या ना करे, वहां उसको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमेशा नेगेटिविटी शेयर की जाए, तो वो जगह फिर नेगेटिव थॉट से इन्फ्लुएंस हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, और जो वहां बैठता है उसको नेगेटिव थॉट्स ही मिलते हैं। फिर ये प्रॉब्लम, ये कारण है कि थॉट्स आपको दिया जाएगा, आप सुनेंगे, आपको मोटिवेट किया जाएगा, तभी आप मोटिवेट होते हैं, ऐसी बात नहीं, आप नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों डायरेक्शन में मोटिवेट हो सकते हैं बिना कुछ बताए, किसी जगह के प्रभाव से। ड्रेस, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया हो और उसका ड्रेस आपने पहन लिया, तो उसने एक लंबे टाइम तक उस ड्रेस को पहनकर उसमें नेगेटिविटी को उसने कैरी किया, तो वो आपके अंदर भी नेगेटिविटी दे सकता है। एक बार क्या हुआ कि एक बार वाइन बार था और वहां पर बियर बार था, वहां पर क्रिमिनल्स आते थे, बैठते थे, डिस्कशन करते थे, धीरे धीरे वो वाइन बार बंद हो गया, काफी लंबे टाइम बाद बंद हो गया, तो वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर खोल दिया गया, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस उसको बना दिया गया। अब रिलीजियस प्लेस लगभग 20 इयर्स तक वहां पर वाइन बार चलता रहा, बियर बार चलता रहा, अब वहां पर लोग बैठते अच्छे काम के लिए, रिलीजियस प्रीचिंग के लिए बैठते, लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको नेगेटिव थॉट्स आते, क्योंकि 20 इयर्स से उस बिल्डिंग ने जो थॉट कैरी किया है वो थॉट उसके भीतर है। तो थॉट्स से मैं बोलूंगा या कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोलेगा या कहीं से आपको दिया जाएगा तभी आप लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप 24 आवर थॉट्स को आप रिसीव कर रहे हैं, जहां आप बैठ रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, आप ट्रेन में, किसी सिनेमा हॉल में, या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, किसी भी जगह पर आप जा रहे हैं, होटल में बैठे हुए, स्कूल में बैठे हुए, कॉलेज के रूम में बैठे हुए, हॉस्पिटल में गए, जहां भी आप गए हैं, वहां से आप एक थॉट रिसीव करते रहते हैं। तो ये थॉट्स का एक हिडन सीक्रेट है। इसलिए जब हम थॉट कंट्रोल की बात करते हैं तो कहां कहां कंट्रोल करेंगे, हम अपने भीतर ही कंट्रोल करेंगे, लेकिन पहले पता होना चाहिए कि थॉट्स आ कहां से रही और कैसे चेंज कर रहे, और सिर्फ अपने माइंड के थॉट्स को नहीं, जो विसिनिटी है, मान लीजिए कि हमारा अपना घर ही है और हमारे अपने घर के किसी रूम में, ऐसे कई घर हैं जहां पर, और घर के किसी पार्टिकुलर रूम में आप बैठेंगे तो वहां आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो वहां की नेगेटिविटी क्यों है, हम सिर्फ अपना नहीं वहां के थॉट्स भी चेंज कर दें, हम वहां के थॉट्स भी चेंज कर दें, वहां का जो नेगेटिविटी है उसको भी हम बदल दें। ये कैसे होगा, टेक्निक, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इंस्पायरिंग थॉट्स से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव थॉट्स से काम नहीं चलेगा, टेक्निक चाहिए, नॉलेज चाहिए। जब आपके पास टेक्निक्स होंगी तो आपके लिए अपने आप को चेंज करना और अपने विसिनिटी को चेंज करना, जहां पर आप रहते हैं अपने सराउंडिंग्स को चेंज करना, उसको पॉजिटिव कर देने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी, इफ यू नो टेक्निक्स। इसलिए हमारे जो शास्त्र है, योग सूत्र है, पतंजलि योग दर्शन है, एक महाविज्ञान, एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। वैसे तो आज पतंजलि का नाम सुनते ही लोगों के मन में आयुर्वेद, एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस, ये सब उनको ध्यान आता है, लेकिन ट्रुथ क्या है, आप पतंजलि योग सूत्र पढ़े, चीजें साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, एक शास्त्र है, दर्शन है, फिलॉसफी है। तो हम उस मनोविज्ञान को जब समझ लेंगे, थॉट्स के साइंस को समझ लेंगे, हाउ थॉट्स प्रोपेल, हाउ थॉट्स मूव एंड फ्लो, कैसे फ्लो होता है थॉट्स, नेगेटिव थिंग में भी होता है, पॉजिटिव थिंग में होता है, हर जगह थॉट्स होता है, हर वस्तु में थॉट होता है, हर वस्तु में भावनाएं होती हैं छुपी हुई जो नजर नहीं आती हमें,
इस रहस्य को हम जान लेंगे तो अपनी रक्षा करना हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप बहुत सारे आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होना बंद हो जाएगा, आप सेल्फ इन्फ्लुएंस रहेंगे आपके ऊपर। कहते ना किसी ने, भाई सुनने को हम कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि भाई कहते हैं किसी ने कुछ दे दिया, मंत्र पढ़ के दे दिया, कुछ कर दिया, हो गया नहीं आपके साथ, क्योंकि आप सेल्फ इन्फ्लुएंस्ड होंगे और आप समझेंगे इस चीज को कि भाई हाँ, हर ऑब्जेक्ट थॉट कैरी करता है, हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वो थॉट्स को अपने साथ, नेगेटिव पॉजिटिव भावनाओं को कैरी करते हैं और वो आपको ना भी चाहे तो वो आपको देंगे। हो सकता है कि सोफा ये कुछ नेगेटिव थॉट कैरी करते हो, जहां बैठा हूं, हो सकता है पॉजिटिव थॉट कैरी करता हूं। तो मान लीजिए कि मैं यहां पर आके बैठ गया और बस खाली बैठा हूं, खाली मन शैतान का घर, तो जो ये सोफा या ये प्लेस जिस थॉट से अफेक्टेड है, वो थॉट्स अपने आप मेरे मन में बिना सोचे भी धीरे 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 आना शुरू हो जाए। अब बार बार मैं बैठूंगा बिना इस साइंस को समझे, थॉट्स के इस साइंस को बिना समझे, तो अगर मैं नहीं जानता तो मैं नेगेटिव थॉट्स के उसमें आता जाऊंगा और मैं अपने आप से पूछता जाऊंगा कि भाई सब कुछ तो बढ़िया है, फिर इतना नेगेटिव क्यों हो जा रहा हूं मैं, क्यों सुसाइड करने के थॉट्स आ रहे हैं, इसका कोई आंसर हमारे पास नहीं होगा। तो थॉट्स को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम कहीं से किताबें पढ़ेंगे या कोई हमें बताएगा तभी हमारे पास थॉट्स आ रही है, नहीं, चारों तरफ से जहां जहां आप जा रहे हैं, कोई चौराहा, रोड का कोई चौराहा हो सकता है, वहां नेगेटिव थॉट्स हो, वहां से आपको नेगेटिविटी मिल सकती है, वहां से नकारात्मक विचार मिल सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं, इसलिए आप जिस भाई ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि मैं कई मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूं, प्रोग्राम अटेंड करता हूं, काफी नेगेटिव हो जाता हूं कई बार मैं, तो करता तो हूं, मोटिवेशनल थॉट्स मिलते हैं, ग्लैमरस थॉट्स मिलते हैं, बहुत ग्लैमर होता है ऐसे प्रोग्राम्स में, कई लोगों के प्रोग्राम में, लेकिन लॉजिक्स होते हैं, सिर्फ लॉजिक्स होते हैं, टेक्निक्स नहीं होते। तो यहां पर हम जो प्रोग्राम्स करते हैं, सेल्फ अवेकनिंग वर्कशॉप या काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी आप मेरे पास आ सकते हैं, अगर आप डिप्रेस हैं, स्ट्रेस हैं, तो साइको एनालिसिस के लिए आप आ सकते हैं और मिल सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे योगा आयुर्वेदिक टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपनी थॉट्स को भी कंट्रोल में ला सकते हैं और जिस एरिया में आप रहते हैं वहां भी थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी नेगेटिविटी को भी आप दूर कर सकते हैं। इसलिए थॉट्स के कॉन्सेप्ट को समझिए, तब थॉट कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल थॉट, ये समझ में आएगा। तो थॉट्स के जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो दूसरी बात भी समझ में आएगी, लेकिन हमारे पास थॉट्स कितनी बड़ी चीज है, कितना कॉन्टेजियस है, ये हम वहां तक इमेजिन नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि विचार है, हमने ले लिया तो क्या हो गया, कुछ पढ़ लिया गलत तो क्या हो गया, ठीक है, तो कुछ हमने नेगेटिव ले ही लिया तो क्या हो गया, हम ये बात सोचकर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपना काम करता है, कार्य करता है, आपके माइंड को धीरे धीरे अनकंट्रोल्ड करना शुरू कर देता है, अनकंट्रोल्ड होने लगता है, थॉट्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं और फिर हम विचार नहीं कर पाते कि करना क्या है, कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे कंट्रोल करना है। मोटिवेशनल थॉट्स हम गए, स्पीचेस, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम्स हमने अटेंड की, जब तक उसने बोला तब तक हम इन्फ्लुएंस रहे, उसके बाद हम अपने स्टेटस में आ जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम थॉट कहां कहां से ले रहे हैं। मान लीजिए आप किसी रूम में बैठते हैं और वो रूम नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी को कैरी करता है, नेगेटिव थॉट्स को कैरी करता है, आप मोटिवेशनल प्रोग्राम में गए, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम आपने अटेंड किया, वहां से मोटिवेट हुए, घूम फिर कराए और उसी रूम में बैठ गए, फिर से अब वो रूम तो अपना काम करेगा भाई, वो आपके थोड़े से विचार से वो अफेक्टेड नहीं होने वाला, जब तक वो कितने लंबे टाइम तक नेगेटिव थॉट्स से या नेगेटिव एनर्जी से वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है, वो इंडक्टेड है नेगेटिव एनर्जी से, वो कैरी करता है नेगेटिव एनर्जी को, तो उसकी पावर अगर आपके माइंड पावर से ज्यादा है तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी देगा और आप उससे इन्फ्लुएंस होंगे, चाहे कितना भी बड़ा बड़े स्पीकर का आप स्पीच सुनकर क्यों ना आए, अगर आप ऐसे कमरे में जाके बैठते हैं जो नेगेटिव एनर्जी का है, क्योंकि आपका रूम, आपके कपड़े, आपके इक्विपमेंट्स, आपका मिरर, आपका टेलीविजन, हर चीज थॉट कैरी करता है। तो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीचेस से काम नहीं चलेगा कि हमने ये सुन लिया कि भाई स्टीव जॉब, बिल गेट्स, जकरबर्ग और आपका नरेंद्र मोदी पीएम बन गया, रजनीकांत भाई कंडक्टर था, ये बन गया, ठीक है, लॉजिक्स है, काम करेंगे कुछ देर तक, लेकिन लंबे टाइम तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप चलो कुछ वहां से तो आपको डायरेक्ट थॉट्स मिल रही थी थ्रू वर्बल स्पीच, लेकिन जैसे आप अपने कमरे में आकर बैठे, मान लो कि आपका कमरा ही नेगेटिव है
और वहां पर आप जाकर आकर जैसे आप बैठे तो हिडन थॉट्स वो मूव करेंगे, फिर वो आपके माइंड उनको कैच करेगा, जो बोला नहीं जा रहा, जो कहा नहीं जा रहा, जो बताया नहीं जा रहा, जो दिखाया नहीं जा रहा, उस तरह के थॉट्स आपको मिलेंगे जो ना देखने में सुनने में, इसलिए थॉट्स काम करती हैं। नेगेटिव एनर्जी अगर आपका कमरा, आपका रूम, आपका घर, आपकी बिल्डिंग, आपका ऑफिस, आपका सोफा जो आप यूज करते हैं, आपका रिस्ट वॉच, अगर वो नेगेटिविटी कैरी करता है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए? वो तो आपकी जरूरत की चीज है, उसको तो आपको लेके घूमना है हमेशा, कैसे उसे छुटकारा मिले, तो उसकी भी टेक्निक्स है। आप उसको पॉजिटिव कर दो, नेगेटिविटी को आप दूर कीजिए, बैठाओ, ये समझने की जरूरत है। इसे सेल्फ अवेकनिंग वर्कशॉप या फिर जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास, वो ऐसा नहीं कि उनको मैं मोटिवेट कर दूंगा, कुछ लॉजिक दे दूंगा कि भाई देखो समुद्र के किनारे चले जाओ, देखो समुद्र की लहर कैसे आती है, कैसे पीछे जाती है, और उनको मैं बोल के छोड़ दूं कि हमें भी जिंदगी ऐसे जीना है, कभी लहर की ओर भागना है, जो लहरें हमारी तरफ दौड़ेंगी तो हमें थोड़ा सा पीछे हो जाना, भाई बैकफुट हो जाना। तो ये सारी बातें लॉजिक्स है, टेक्निक नहीं है। तो टेक्निक की जरूरत है, और हमारे जो हिस्ट्री है जिनको हम महापुरुष कहते हैं, उन लोगों ने ऐसे टेक्निक्स दी हैं, रिसर्च किया है इस सब्जेक्ट के ऊपर। इसलिए इंडियन साइकोलॉजी जिसके अंदर पतंजलि योग सूत्र आता है, उसने ऐसे बातें बताई हैं कि जहां पर आप बहुत इजीली स्वयं को चेंज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपने घर, अपनी विसिनिटी, चारों तरफ के थॉट्स और वाइब्रेशन को आप चेंज कर सकते हैं, तो उसको समझने की जरूरत है। इसलिए इस बात को पहले कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट्स को जाने, कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट को समझे कि थॉट कितना हाईली कॉन्टेजियस है, हर जगह विराजमान है। जैसे कहते हैं ना, एटम एवरीवेयर एटम है, एयर में भी एटम है, तो एयर में थॉट भी है। आपके जिस घर में आप बैठे हुए हैं वहां भी थॉट्स हैं, जिस उसके वॉल्स में जहां भी आप जाते हैं वहां पर हिडन थॉट्स होती हैं। जिस चेयर पे आप बैठते हैं, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन में गए और किसी चेयर पर बैठ गए, प्लेटफॉर्म के ऊपर, एयरपोर्ट पे गए आप बैठ गए, तो वो चेयर, वो प्लेस थॉट्स कैरी करता है। सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी आप नेगेटिव हो सकते हैं, और ऐसे एग्जांपल की भरमार है, ऐसे एग्जांपल्स की भरमार है कि सब कुछ लाइफ में पॉजिटिव है, फैमिली पॉजिटिव है, मनी पॉजिटिव है, कैरियर पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन बंदा नेगेटिव हो जाता है और फिर सुसाइड भी कर लेता है। ऐसे केसेस हैं, पता नहीं कौन सी धुन उसको सवार हो जाती है। तो इस तरह की कई चीजें हैं, कई बातें हैं। इसलिए आप थॉट्स को ये मत मानिए कि आज कोई थॉट, मैं भी यहां पर ये भी जो मिल रहा है आपको लॉजिक है, ये टेक्निक नहीं है। हाँ, जब आप मिलेंगे, बैठेंगे, आएंगे सेल्फ अवेकनिंग वर्कशॉप, उसमें कई टेक्निक्स हमने दी हैं और इंट्रोड्यूस करते रहते हैं जो रिसर्च बेस्ड है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिया उठाकर डाल दिया, ऐसा नहीं है, हमको अच्छा लगा, हमको ये बात समझ में आई तो हमने डाल दिया, नहीं, जो रिसर्च बेस्ड है, जो आपको प्रमाणित चीजें हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद, समझने के बाद फिर उसको अप्लाई किया जाता है, फिर बताया जाता है। तो इसलिए जो थॉट कंट्रोल की बातें करते हैं, मोटिवेशनल ग्लैमरस प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं, लेकिन चेंजेस नहीं आते, रिवोल्यूशन नहीं आता, पॉजिटिव चेंजेस नहीं आते बहुत मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड करने के बाद भी, तो उसका रीजन यही है क्योंकि आप थॉट्स को मोटिवेशन तक ही समझते हैं। थॉट्स को आपने कहीं से रिसीव किया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी मोटिवेशनल प्रोग्राम से, आप थॉट्स को वहीं तक लिमिट समझ लेते हैं। आपने बुक पढ़ा, वहां से कुछ नेगेटिव पॉजिटिव लिया, या किसी ने आपको नेगेटिव पॉजिटिव दिया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, हम बस यहीं तक लिमिट समझते हैं। हमको लगता है कि हमने आंखों से कुछ देखा, हमने नाक से कुछ सूंघा, हमने जीभ से कुछ टेस्ट किया, कड़वा था एक थॉट गया ब्रेन के अंदर कि भाई कड़वा था, मीठा था थॉट गया ब्रेन के अंदर कि मीठा था, हमने कान से कुछ सुना, हमने अपने स्किन से कुछ सेंसेशन को फील किया। तो ये सब हमारे सेंस ऑर्गेन है, फाइव सेंस ऑर्गेन है जो कि थॉट्स रिसीव कर, इससे हम जो भी रिसीव करते हैं मैसेजेस, वो थॉट है, डेफिनेटली थॉट है। लेकिन अगर इनके बिना भी हमारा जो सिक्स्थ सेंस है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं हमारा, हमारा माइंड, वो बिना इन सेंस ऑर्गेन्स को यूज किए ही थॉट्स रिसीव कर लेता है, प्रॉब्लम यहां पर,
हम इस पर डिस्कस नहीं करते, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होते हैं वो इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं वो लोग, कि नॉन लिविंग थिंग भी हमें हिडन थॉट्स, इसके अंदर भी नेगेटिविटी हो सकती है। हो सकता है कि हम इसको आधे घंटे पकड़ के रखें और हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाए। ये कुछ नेगेटिव थॉट्स कैरी कर सकता है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी। तो जितने भी लोग हैं वो थॉट्स की रिसीविंग कहां से बताते हैं? थ्रू सेंस ऑर्गन। लेकिन मैं कहता हूं हमारा माइंड एक ऐसी चीज है जो बिना किसी सेंस ऑर्गन के, जो आपने आंखों से नहीं देखा, जो आपने कानों से नहीं सुना, उन थॉट्स को भी, उन चीजों को भी रिसीव करता रहता है, लेता रहता है, ग्रहण करता रहता है, और फिर उसे ग्रहण लग जाता है, और ऐसा ग्रहण लग जाता है कि वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जो हिडन इंस्पिरेशन है, जो हिडन थॉट्स है, छुपे हुए हैं और फ्लो करते रहते हैं। थॉट्स को कोई देख तो सकता नहीं, अब हम वेव्स को तो देख नहीं सकते, ये रिमोट से हम टीवी चलाएंगे, एक वेव यहां से निकलेगी और टीवी के सेंसर से जाकर उसे टच करेगी और वहां टीवी ऑन हो जाता है, हम नहीं देख पाते वेव्स को, कहीं से माइक्रोवेव्स है, तो ऐसे हम थॉट्स को नहीं देख पाते। लेकिन हर चीज थॉट्स कैरी करता है और हमें वो थॉट्स देता है, हमारे अंदर वो थॉट्स चले जाते हैं, ना नाक से गए, ना जीभ से गए, ना आंख से गए, ना कान से गए और ना ही त्वचा से गए, फिर कैसे गए? माइंड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, सिक्स सेंस हमारा वो रिसीव कर लेता है, वो रिसीव कर लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम भी करना शुरू कर देता है। अगर हम थॉट कंट्रोल टेक्निक्स को नहीं जानते और बार बार हमें बचना है तो हम क्यों ना, वो जो जगह है, वो जो ऑब्जेक्ट है तो नॉन लिविंग है भाई, जब लिविंग को चेंज किया जा सकता है तो नॉन लिविंग को क्यों नहीं कर सकते हम? हम उसकी जो थॉट्स प्रोसेस है, उसकी जो नेगेटिविटी है, हम उसको भी दूर करने का टेक्निक जान लें। तो आयुर्वेदा, योग, ये जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन जो माइथोलॉजी है, जो ग्रंथ है, जो एपिक्स, उसमें कई टेक्निक्स बताई गई हैं। लेकिन हमारे अंदर एक मॉडर्न सेप्टिकल आउटलुक है, हमको लगता है कि कोई अमेरिकन राइटर जब कुछ लिखेगा तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। और पतंजलि, मैं कहता हूं पतंजलि का एक एक सूत्र ऑथेंटिक है, एक एक फॉर्मूला जो दिया गया है वो 100% राइट है। लेकिन एक मॉडर्न सेप्टिकल आउटलुक या मेंटल स्लेवरी इंडियंस के अंदर जो है, या कुछ लोग मेंटली स्लेव रहना चाहते हैं और दूसरों को भी मेंटली स्लेव बनाना चाहते हैं, कुछ लोग इसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो ये जो चीज है, जब वहां से कोई चीज, तो ये इसलिए हम खुद को जाने, खुद को पढ़े, हम अपने संस्कृति को जाने, हम अपने दर्शन को पढ़े। यहाँ जो भारत की जो दर्शन है, संस्कृति है, वो कितना डीप में जाकर बात करती है, कितनी गहराई में जाकर टॉपिक्स को डिस्कस करती है और उसे क्लियर करती है। तो लाइफ हो, चाहे आत्मा हो के विषय में हो, परमात्मा के विषय में, ओवरव्यू नहीं, आप फिलॉसफी को पढ़े तब जाकर बात समझ में आएगी। इसलिए पतंजलि योग सूत्र, आयुर्वेद, कई टेक्निक्स बताई गई हैं जहां पर बहुत इजीली आप नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, अपने माइंड की नेगेटिविटी को, और अपने रिसेंटली आप अपना एरिया जहां आप बैठते हैं, सराउंडिंग्स को, उसकी नेगेटिविटी को भी आप चेंज कर सकते हैं। जानने की जरूरत है, सीखने की आवश्यकता है। इसलिए जो हम लोग का प्रोग्राम है सेल्फ अवेकनिंग वर्कशॉप, इसका नाम वर्कशॉप है क्योंकि यहां कुछ किया जाता है, सिर्फ ग्लैमरस सीन नहीं क्रिएट किया जाता, यहां कुछ किया जाता है, यहां कुछ करवाया जाता है, दिया जाता है, जैसे आप करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ट्रेन हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ट्रेन होना है, जानना है, समझना है। आप और ये तो लिमिट होती है, काफी लंबा सर्वे में बोल गया, और जो है इसी के साथ मैं अपने थॉट्स को, फ्लो ऑफ थॉट्स को यहाँ पर पॉज करूंगा। आप मोटिवेट हो और समझे जाने, इच्छा यही है कि जन कल्याण हो, लोगों का पब्लिक वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए, लोगों के उस लाभ के लिए ही ये प्रोग्राम है। और इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी बातों को ही रखते हैं, शास्त्रों की भी कई बातें रखते हैं, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हम उनको रखते हैं लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, और टच में रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। इसलिए और इस विषय में अगर आप कुछ, आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं, आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसका हमें लगेगा कि हाँ आपका क्वेश्चन सही है, राइट है, अपनी जगह पर आप सही सवाल कुछ खड़ा कर रहे हैं, तो हम उसका उत्तर वीडियोस के माध्यम से आपको देंगे, उसका आंसर देंगे। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ विराम दूंगा। धन्यवाद।